तन और मन की दृढ़ता के लिए योग ही एक सशक्त साधन है। योग द्वारा हम अपने मस्तिष्क को चिंताओं, अवसादों और अन्य बीमारियों से बचा सकते हैं। जी हाँ, पूरे शरीर के स्नायु तंत्र व रक्त संचार तंत्र को ठीक रखने के लिए योग करना बहुत जरूरी है। अजय शर्मा ने बताया कि यदि हम अपने दिमाग को तेज करना चाहते हैं और अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो रोजाना भद्रासन लगाएं। नमस्कार, आज हम करेंगे भद्रासन। और भद्रासन बहुत ही अच्छा आसन है और बहुत ही आसान आसन है। इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप इस तरह से वज्रासन में बैठिए। किसी भी आसन को शुरुआत करने के लिए वज्रासन से शुरुआत करेंगे तो इसका काफी लाभ हमें मिलता है। तो वज्रासन में बैठने के पश्चात अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से भद्रासन की तरफ जाने के लिए सबसे पहले हम अपने टांग इस तरह से लैंड कर देंगे बिल्कुल, और कमर गर्दन हमारी सीधी हो जाएगी इस तरह से। फिर इसको हम धीरे धीरे ऐसे पीछे 1 2 3 4, फिर दूसरे साथ 1 2 3 4, फिर इसको इस तरह से 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 ऐसे। क्योंकि भद्रासन को तैयार कर रहे हो तो भद्रासन के लिए तैयारी जो है वो सबसे पहले, क्योंकि आपके पांव, आपकी जो घुटने हैं वो बिल्कुल ठीक अवस्था में आने चाहिए। अब इसको कैसा करना, कैसे है, इस तरीके से लेंगे और सबसे पहले हम इसको इस तरीके से होल्ड करेंगे। कैसे करना है, अब जिसे मैंने फोल्ड कर लिया अपनी टांगों को धीरे धीरे, अब इसको फोल्डिंग की तरफ जा रहा हूं तो मैं आगे हो जाऊंगा, और आगे और आगे और आगे, और इसको जो पैर है मेरे, मैं इसको गुदा पाठ के साथ ऐसे लगा लूंगा। और जैसे मैं गुदा पाठ के साथ इसको लगाता हूं तो इसके पश्चात जो मेरे हाथ है वो इस तरह से जमीन पर ऐसे लग जाना चाहिए ऐसे, और इसी अवस्था में हम ऐसे रहेंगे। उसके पश्चात फिर इस अवस्था में रहने के पश्चात मैं ये आपने से किया और फिर इसको ऐसे बैठ गया ऐसे। अब थोड़ा सा इसको और इस तरह से इसके ऊपर ऐसे बैठ के, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से आपने इसको कर दिया। उसके पश्चात फिर दोबारा से इसी आसन में आ गए और फिर थोड़ा सा टांग को आगे फैलाया और फिर पीछे ऐसे ले आए। फिर हाथों की जो पोजीशन है वो इस तरह से आपने क्रॉस करना है और इसको ऐसे पकड़ लेना है, और फिर बिल्कुल सीधे आपकी जो टांगे हैं वो इस तरह से फैली हुई होनी चाहिए। आपकी जो एड़ियां हैं वो हमारे गुदा पाठ के साथ लगी हुई होनी चाहिए नीचे, और इस तरह से ये कंसंट्रेशन के लिए, दिमाग को तेज करने के लिए, अपने तन और मन की दृढ़ता के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। और इसी आसन में आप 2 से 3 मिनट तक ऐसे बैठ सकते हैं इस तरह से ध्यान केंद्रित करके पूर्ण से। इसको भद्रासन कहा जाता है और भद्रासन में जब आप बैठते हैं। पीएल टीवी के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।